एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, इसमें कह रहा कुल, तो अगर हमें कुल कहेगा तो हमें ऐड कर देना है, यानी पहले दिन जितने टिकट बेचे गए, दूसरे दिन, तीसरे दिन और अंतिम दिन टोटल को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे लिख लेना है, पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, पहले दिन बेचे गए 1094 टिकट, तो हमें यहाँ पे लिख देना है 1094। फिर है दूसरे, तो ये मैं सिंबल दी हूँ, यानी कि इसका मतलब हुआ जो ऊपर लिखा है वही हमें नीचे लिखना है। तो दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, दूसरे दिन बेचे गए 1812, तो मैं यहाँ पे 1812। और तीसरे दिन, तीसरे दिन बेचे गए 2050, तो यहाँ पे हमें 2050 लिख देना है। और लास्ट, अंतिम दिन या चौथे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 2751, तो इन सबको हमें जोड़ देना है। तो अब हम इन सबको जोड़ लेते हैं, हम यहीं पे ऐड कर लेते हैं इन सबको। 4, 2, 6, 7 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे 0, 7, 7। और इसमें हमें कॉमा भी लगाना है, जैसे कि हम कॉमा लगाएंगे 3 अंक के बाद, यानी हम सैकड़ा पे कॉमा लगाएंगे। तो 7707, तो हमें लिखना है अब 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बराबर हो जाएगा 7707, क्योंकि इस चैप्टर में हमें लिख के इसका आंसर देना है। तो आपको इसी टाइप से इसका आंसर को बना देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है, वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने रनों की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले लास्ट का देखना है, पूछ रहा है कितने, कितने अगर पूछ रहा है तो हमें घटाना है, यानी कि माइनस करना है। तो शेखर जो है वह 10,000 रन बनाना चाहता है और उसे वो 6,980 रन बना चुका, तो हम 10,000 में 6,980 रन को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसे वर्ड में लिखना है, शेखर रन बनाना चाहता है 10,000, वो 10,000 रन बनाना चाहता है शेखर द्वारा बनाए गए रन, यहाँ पे आप अब तक भी लिख सकते हैं शेखर द्वारा अब तक, उसके बाद यहाँ पर होगा बनाए गए, शेखर द्वारा अब तक बनाए गए रन बराबर कितना है 6,980, और वो 10,000 रन बनाना चाहता है। तो अगर हम 10,000 में 6,980 को माइनस कर देंगे तो हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 10,000 में 6,980, इसको माइनस करेंगे 0, 10 में से 8 गया 2, 0, 9 में से 6 गया 3, और कॉमा हम यहाँ पे लगाएंगे। हम आपको पहले बता चुके हैं कि इस टाइप से दाएं तरफ से हम 3 अंक के बाद लेंगे, इकाई दाएं सैकड़ा, सैकड़ा अंक पे हमें कॉमा लगाना है, तो 3020 यानी रन उसको और आवश्यकता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शेखर को और 3020 रनों की आवश्यकता है। यहाँ पे हमें कॉमा लगा देना है इस टाइप से, क्योंकि इकाई दाएं सैकड़ा तीसरे अंक पे हमें कॉमा लगाना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हमें माइनस का निशान दे देना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो 3 नंबर में है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 577,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंद्वी ने 348,700 मत प्राप्त की, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। फिर इसमें पूछ रहा है क्या कितने, कितने पूछेगा तो हमें माइनस करना है। तो पहले सफल प्रत्याशी जो थे वो
77,500 और उसके निकटतम जो थे वो 3,48,700 प्राप्त किए। तो कह रहा है कि सफल प्रत्याशी जो थे कितने मतों से जीता, तो इनमें इसको हम माइनस बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे, बड़ा ये है छोटा ये है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिख देना है सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत। सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत कितना था? 577,500। देखिए यहाँ पे मैं कॉमा दी हूँ, 3 अंक के बाद हम लेते हैं शुरू में, फिर बाद में लेते हैं 2 अंक के बाद। इधर भी और अंक लेता तो हम 2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। और निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मत 3,48,700। तो क्या पूछ रहा है, यानी कितने मतों से, यानी कि सफल प्रत्याशी जो थे कितने मतों से जीते हैं। हम माइनस करेंगे तो हमें लिखना है मतों का अंतर। अंतर मतलब होता है घटा, तो हम इसको माइनस कर देंगे बड़े वाले से छोटे वाले को। इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ में कॉमा लगा लेना है और यहाँ पे कॉमा लगा लेना है। 0 0 15 में से 7 गया 8, 16 में से 8 गया 8, 2 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 अंक के बाद, फिर हमें लगाना है 2 अंक के बाद कॉमा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें इसे वर्ड में भी लिख देना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सफल प्रत्याशी ने चुनाव 228,800 मतों से जीता। तो ये हमारा यहाँ पे 3 नंबर कंप्लीट हो गया, तो अब हम 4 नंबर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 285,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यानी कि दोनों को हमें जोड़ देना है, कुल का रहा कुल कितनी बिक्री हुई यहाँ पर, तो हमें क्या करना है जोड़ देना है पहले कि सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक। फिर यहाँ पूछ रहा है कितनी, तो एक बार हमें माइनस करना है, यानी कि जैसे कि दूसरे सप्ताह में देखिए ज़्यादा बिक्री हुई, यहाँ पे 4 लाख है यहाँ पे 2 लाख है, तो हम 4 लाख में अगर 2 लाख में माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी अधिक बिक्री हुई, और कुल कितना पूछ रहा, तो हमें इन दोनों को जोड़ लेना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है इस टाइप से, जून के प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तक, प्रथम सप्ताह में कितनी पुस्तक बेची गई थी? 285,891। तो 891 हमें लिख देना है। और जून के दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तक, दूसरे सप्ताह में कितनी बेची गई थी? 4,768। तो हमें क्या कर देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, दोनों सप्ताह में कुल बिक्री बराबर, तो हमें कुल बिक्री निकल जाएगा। तो हम ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो 819 हो जाएगा, 9 6 15 के 5, 8 7 15, 16 के 6, 5 1 6, 8 4 2 6। तो यहाँ पे हमें कॉमा देना है, फिर यहाँ पे देना है, तो 686,659 की कुल बिक्री हुई। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो हमें लिखना है दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो टोटल बिक्री कितनी हुई? 686,659। और दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई ये भी आपको लिख देना है, क्योंकि देखिए बच्चों दूसरे सप्ताह में कितना, 4,768 हुई, और पहले सप्ताह में जो हुई थी 2 लाख, तो ज़्यादा किस में हुई? दूसरे सप्ताह में, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। और क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछ रहा था कितनी अधिक बिक्री हुई, तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी ये बड़ा ये है, तो हम इसे ऊपर इसे नीचे लिख के माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितनी बिक्री अधिक हुई। चलिए इसे भी हम कर ही लेते हैं। तो हम 4,768 में 285,891 को माइनस कर दिए, तो हमारा आएगा 1,14,870, यानी दूसरे सप्ताह में जो थी इतनी रुपये की बिक्री अधिक हुई। तो हमें इस टाइप से यहाँ लिख देना है, यहाँ हमें कॉमा लगा देना है, कॉमा आप लोग को एकदम नहीं भूलना है, कॉमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पहले हम 3 अंक के बाद लेंगे, फिर 2 अंक के बाद, और यहाँ पर भी लगाना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंकों 6 2 7 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक भाग
बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें अंतर कह रहा, तो अंतर मतलब होता है घटा माइनस, जैसे कि हमें क्या करना है छोटी और बड़ी संख्या मिला के उनको माइनस कर देना, तो इसे भी हम बनाते हैं। तो हमें क्या करना है संख्या बनाना, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो पहले मैं जो दिए हुए संख्या उसे लिख लेती हूँ। क्या है अंक दिए हुए 6, 2, 7, 4 और 3, यानी हमें इन्हीं को लेकर संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले सबसे बड़ा अंक लेना है, सबसे बड़ा अंक 7 है, 7 ले लिए हम यहाँ पे। फिर उसके बाद बड़ा क्या है 6, तो हम 6 ले लेंगे। फिर उसके बाद हमें बड़ा क्या है 4, तो हम 4 ले लेंगे। फिर उससे छोटा 3, तब लास्ट में 2। अब सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे छोटा अंक लिखना है पहले, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7। तो इस टाइप से हम लिख लिए। अब हम क्या करेंगे इनको माइनस कर देंगे। तो हमें पहले लिख लेना है बड़ा ये है इसमें, तो बड़ा जो उसे हम ऊपर लिखेंगे 4 है, फिर से लिख लेते हैं 7, 6, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 6, 7। तो इनको हमें क्या करना है माइनस कर देना, यानी अंतर निकालना। तो मैं यहाँ पे अंतर लिख लेती हूँ। तो 12 में से 7 गया, 5 बचा, ये कितना हो गया 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे हो जाएगा 9, 2, 5। तो यहाँ पे हमें कॉमा लगा देना है, यानी 52,965। तो हम अंतर क्या निकला इन संख्याओं का, निकला 52,965 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है, जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। तो आज हम 6 तक सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 7 से लेकर 12 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले एक मशीन जो है वो एक दिन में बनाती है 2,825 पेज। तो पहले जनवरी देखना, जनवरी में हमारा होता है 31 दिन, तो यानी उन्हीं दिन से हमें क्या करना है गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है इनको, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख ली हूँ जो चीज़ हमें दिए गए हैं, जैसे मशीन द्वारा एक दिन में बने पेजों की संख्या, एक दिन में कितने पेज बने 2,825। तो यहाँ पे हमें लिख देना है, आपको भी इस टाइप से लिखना है। फिर जनवरी 2006 में बने पेजों की संख्या, फिर आपको लिखना है चूँकि जनवरी में 31 दिन होते हैं, कारण भी आपको दे देना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप ये नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो हमें क्या करना है 31 को 2,825 को गुना कर देना। तो 2,825 से हम 31 को गुना किया तो हमारा आ गया 87,575। तो जनवरी 2006 में कितने पेज बने 87,575, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम 7 से लेकर 12 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।